आई होप जो शॉप ढूंढ रहा हूँ वो खुला होगा। तो फ्रेंड्स पहुंच गया वो शॉप, और ये रहा वो भैया जो मेरा बाइक का ऊपर काम करेगा। क्या मना छो एक टाइम है तुम्हारे तो कल बोल लाम जो 10 समय आसबो अच्छा ऑनलाइन कैसे लाओ पेटीएम को था ऐसे दिए सो एक साथी मिल गया एटीएम तक जाने के लिए, मुझे इधर पता नहीं किधर एटीएम है। जानो को था ऐसे एटीएम चलो बसो अच्छा अच्छा एटा ही ना अच्छा ही तो एटीएम टा तो पहुंच गए एटीएम। का बंदोबस्त तो हो गया गाइस, चलते हैं थोड़ा मरम्मत की जाए मेरा प्यारे को। वो बंदा किधर गया? चलो मैं गाड़ी सीधा करके रखता हूँ। ओ आ जाओ भाई जल्दी। एसजे में ज्यादा चार्ज नहीं है। और पेट्रोल पंप पे इतना सारा लाइन। अच्छा वो पेट्रोल ले रहा है।
हम भी ले ले कहा नहीं अभी नहीं, बाद में लूँगा जब सारा काम हो जाएगा।
सो गाइस आई एम बैक इनटू द माय NS200 पल्सर और काम हो चुका है जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, तो फील्स इज वेरी ऑसम चलाने में, पूरा एकदम इतना फ्री लग रहा है कि क्या बताऊं। एक्सीलेटर वायर मेरा पूरा जाम था, नया लगाया, चेंज करवाया, एक्सीलेटर पूरा घुमाने का कोशिश भी नहीं कर रहा हूं और गाड़ी एकदम फट रहा है। ओहो, ब्रेक्स आर गुड क्योंकि ब्रेक पेड चेंज हुआ है दोनों चक्का का और क्लच भी थोड़ा स्मूथ हो गया है क्योंकि एक क्लच केबल भी चेंज करवाया हूं। और मेन प्रॉब्लम था इसमें मेरा हैंडल रेसर का, जो आप लोग देख चुके हैं रेसर किस तरह चेंज होता है हैंडल का, NS200 का या किसी भी बाइक का हो, आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो यही था आज का काम मेरा इस प्यारे में। सो आई होप सो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा एक यूज टू होगा, एक जानकारी की साइड तरफ का होगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल राइड विद बिप्लब। तो इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, ब्लॉग्स लेके मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ। तब तक के लिए राइड हार्ड, बी सेफ एंड जय हिंद। नथिंग कैन स्टॉप मी, आई एम ऑल द वे अप।